हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड एंड आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ में सब खुश होंगे। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट का सेल जो है अभी भी चली रही है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आईफोन 12 मिनी को देख लिया जाए कि वो सेल में आया कि नहीं आया। तो गाइस, वो मैंने अप्रोक्स मॉर्निंग में 3:30 से 4 बजे के बीच मैंने जब फ्लिपकार्ट को ओपन किया, देर मैंने आईफोन 12 मिनी को सर्च मारा, तो गाइस वो उस समय फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल स्टॉक में शो हो रहा था। तो जैसे मैंने उसे बाय किया, तो बाय करने के बाद वो मेरा आधा प्रोसेस मेरा हो चुका था। तो मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस के लिए कुछ एक प्रूफ बना ली जाए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना ली जाए ताकि उनको बिलीव हो जाए मेरे ऊपर। तो गाइस, जैसे मैंने उसे मिनिमाइज़ किया, देन उसके बाद वो मैंने दोबारा से उसे फ्लिपकार्ट को जब ओपन किया तो वो दोबारा से रीलोड होना शुरू हो गया। तो गाइस, ये पता नहीं ये ग्लिच था या फिर कोई स्कैम था मेरे साथ। तो जो आईफोन 12 मिनी है वो तो फिर वापस से आउट ऑफ स्टॉक हो गया, क्या पता वो कुछ टाइम के लिए आया हो। और तो गाइस, जो अभी जो 12 जो आईफोन 12 है दोस्तों, उस पर अभी भी डील चल रही है। और जो आईफोन 12 है वो देखो अभी भी स्टॉक में शो हो रहा है, और इस पर है जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाया हुआ है इस प्रॉपरली, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा इसके बाद, और जैसा कि आप देख लेना। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा है, जो आईफोन 12 है वो अभी भी स्टॉक में अवेलेबल है। तो इसकी जो प्राइस है वो दोस्तों दिखा रहा है 50,000 रुपये। तो दोस्तों 50,000 रुपये में तो आपको आईफोन 15 मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। तो ये पता नहीं फ्लिपकार्ट हमारे साथ ये स्कैम कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, पता नहीं। तो दोस्तों, आईफोन 12 तो स्टॉक में आ गया, लेकिन जो आईफोन 12 मिनी है तो वो भी जल्दी स्टॉक में आ सकता है। तो आपको है जो डेली चेक इन करते रहना है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और एक बार अपना कमेंट इस वीडियो में ज़रूर दें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।